बिहार में साल फिर से रोजी रोजगार बढ़ने वाले हैं, उद्योग और धंधे भी लगेंगे और साथ ही खनिजों की बहार भी होगी। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड बंटवारे से पहले ही खनिजों के लिए मशहूर बिहार का फिर वही रूप एक बार फिर से इसी साल से दिखने लगेगा। ग्लूकोनाइट, क्रोमियम व निकेल सहित प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नाइट, बॉक्साइट और दुर्लभ मृदा धातु सोना सहित कोयले का खनन शुरू होने वाला है। झारखंड बंटवारे से पहले खनिजों के लिए मशहूर बिहार का फिर वही रूप एक बार फिर से इसी साल से दिखने लगेगा। ग्लूकोनाइट, क्रोमियम व निकेल सहित प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नाइट, बॉक्साइट और दुर्लभ मृदा धातु सोना सहित कोयले का खनन शुरू होने वाला है। इसके लिए फिलहाल राज्य की औद्योगिक सहित खनन नीति में ऐसे खनिज तत्वों के खनन उत्पादन या बिक्री की नीति नहीं है। राज्य सरकार बहुत जल्द इस नीति को लागू करेगी। इसमें ऐसे तत्वों के खनन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। इनको सरकार उद्योग की प्राथमिक सूची में शामिल करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि इससे राज्य में बड़ी संख्या में उद्योग लगाने की संभावनाएं हैं। यहां निवेशक आएंगे तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आवश्यकता होने पर खनिज विकास निगम भी उद्योग लगाने पर काम करेगा। इससे सरकार को बालू और पत्थर की तुलना में कई गुना अधिक रॉयल्टी मिलने की संभावना है। राज्य सरकार का खजाना भरने से राज्य का विकास तेजी से होगा। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि झारखंड बंटवारे के बाद से खनिजों के लिए दिवालिया कहे जाने वाले बिहार में नई संभावनाओं पर काम शुरू हो चुका है। राज्य में मिले क्रोमियम की क्वालिटी देश के अन्य स्थानों की तुलना में करीब 3 गुना बेहतर बताई जाती है। यही हाल अन्य खनिजों का भी है। केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्रालय ने पिछले दिनों खनन के लिए 7 ब्लॉक का आवंटन राज्य सरकार को किया है। ये रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका और मुंगेर जिले में है। रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किमी इलाके में ग्लूकोनाइट मिला था। इसमें जिले के नवडी प्रखंड में 10 वर्ग किलोमीटर, टीपी में 8 किलोमीटर और शाहपुर प्रखंड में 7 किलोमीटर का इलाका शामिल है। इसके साथ ही गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डिंजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है। जमुई के हरनी कलवा में लिथियम, बांका और मुंगेर के बहुरूलिया प्रखंड में दुर्लभ मृदा धातु सहित गया के अजयनगर में सोना, भागलपुर जिले में कोयला पाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि भागलपुर जिले में कोयला की परत पर क्ले सॉल्ट का परत भी पाई गई है। इनका उपयोग टाइल्स बनाने में किया जा सकता है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बमहरा ने कहा कि राज्य में इन खनिज तत्वों के मिलने से उर्वरक उद्योग, लौह अयस्क आधारित उद्योग लगने की संभावनाएं भी है। यहाँ बिजली, सड़क और रेल परिवहन, श्रमिक सहित उद्योग लगाने के सभी संसाधन मौजूद है। इससे राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर रॉयल्टी मिलेगी और साथ ही रोजी रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। इन खनिजों का खनन शुरू होने पर दुनिया के स्तर पर इनकी जानकारी देने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। तो यानी कि अब बिहार में एक बार फिर से रोजी रोजगार के लिए लोगों को आसानी होगी। तो वहीं बिहार में अब एक बार फिर उद्योग और धंधे लगेंगे। यानी कि झारखंड बंटवारे से पहले जो भी खनिजों के लिए मशहूर बिहार का वही रूप एक बार फिर से इसी साल से दिखने लगेगा। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।